हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको नटशेल की लीड्स के बारे में बताऊंगा। आपके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के ज़रिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आप अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को वूफू के ज़रिए अपने नटशेल अकाउंट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसकी सारी लीड्स आपको आपके इस नटशेल के अकाउंट में आ रही हैं। इसके अलावा आप नई लीड्स भी बना सकते हैं कि किसी एक ऐसे बंदे या कंपनी के साथ जिसके साथ आपने पर्सनली रابطہ किया है या जिसने आपसे पर्सनली रابطہ किया है, उस कॉन्टैक्ट फॉर्म के ज़रिए नहीं आए। आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन, अगर वो पर्सनली है तो या वो कंपनी की तौर पर है, जैसे भी है, वो यहाँ पे लिख कर एक लीड आप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपको लीड्स आएंगी वो आप उसके स्टेटस होंगे कि या वो पेंडिंग है, ओपन है, आपने लीड जीत ली है, यानी कि आप उसने उस पर काम स्टार्ट कर दिया है, या वो आपके हाथ से निकल गई है, या वो कैंसिल हो गई है, वो आपको इस तरीके से यहाँ पे स्टेटस आता रहा होगा। मैं केस स्टडी के लिए आपको फ्रोजन वेव मीडिया की लीड्स के बारे में दिखाता हूँ। उनका ये अकाउंट है, उन्होंने अपने अकाउंट को इसके बाद एक कस्टमली सेट किया हुआ है कि जिसमें, क्योंकि फ्रोजन वेव मीडिया वाले किसी को जब अप्रोच करते हैं तो वीडियो बनाकर अप्रोच करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, तो वो उन्होंने इसी हिसाब से लिखा हुआ है। कोई लीड आई, उसको उसके लिए क्या आपने वीडियो बनाई, क्या वो वीडियो ईमेल कर दी है, क्या फ़ोन पे उस वीडियो का फॉलो अप लिया है, उन्होंने कोई डिसीजन किया है या नहीं, और आपकी डील क्लोज हुई है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉन्फ़िगरेशन की हुई है जिसके ज़रिए वो देख सकते हैं कि उस बंदे को जिसने लीड जिसकी तरफ से लीड आई थी, उसको जो भी वो मेल भेज रहे हैं, वो यहाँ पे उस मेल के रिकॉर्ड भी साथ के साथ आ रहा है। यानी कि इस वीडियो को बताने का आपको मकसद ये था कि आपके फॉर्म के ज़रिए या आप पर्सनली किस तरीके से लीड क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि यहाँ से आप जाएंगे, अगर पर्सन है तो पर्सन की लीड क्रिएट होगी, अगर वो कंपनी है तो कंपनी की, या अगर कोई ख़ास एक्टिविटी है तो वो आप ख़ास एक्टिविटी यहाँ से जो है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। शुक्रिया।